हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो ऑरेंज। तो अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होते हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो ऑरेंज। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होते थे जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो ऑरेंज। तो देखिएगा बेटा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को किसमें रहती है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रहती है। सर केमिस्ट्री वैसे सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग खराब कब होता है? जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने स्टार्ट करते हैं बेटा। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा। जो केमिकल रिएक्शन आपकी आज फॉरवर्ड हो रही किसी केमिस्ट्री को लेकर, वही केमिकल रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री के अंदर दोबारा रिपीट होगी। तो कुछ भी नहीं बेटा, बस एक रूटीन बनाइएगा आप केमिस्ट्री को पढ़ने का। तो रूटीन जब बनेगा, तो रूटीन बनते समय लगातार आप जब इसको पढ़ोगे, तो पढ़ते समय आपको रियलाइज हो जाएगा बेटा कि क्या कुछ चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो ऑरेंज। तो हेलो एल्केन को आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा। इस यूनिट को हमने दो भागों में क्लासिफाई कर लिया बेटा। एक पार्ट हमने हेलो एल्केन बनाया और एक पार्ट हमने क्या बनाया बेटा? हेलो ऑरेंज बनाया। तो एक पार्ट हेलो एल्केन और एक पार्ट क्या बेटा आपका? हेलो ऑरेंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हेलो एल्केन की क्या होता है बेटा। तो देखिएगा बेटा, हेलो एल्केन दो शब्द बेटा यहाँ पे, एक तो है आपका हेलो और एक क्या है बेटा आपका एल्केन। दो शब्द बेटा, एक हेलो और एक क्या है बेटा आपका एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? जनरली हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? हेलोजन। और वो हेलोजन ऐड हो रहा है किसके अंदर? ऐड हो रहा है बेटा एल्केन के अंदर। जब हेलोजन को एल्केन में ऐड किया जाता है तो आपका क्या बनता है बेटा? हेलो एल्केन बनता है। अब एक बात बताइएगा बेटा, एल्केन आपका कोई भी हो सकता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे कौन बेटा आपके एल्केन है। मान लो आपने मीथेन के एग्जांपल लिया CH4, तो आप अगर मीथेन की स्ट्रक्चर देखो तो मीथेन की आपकी ये स्ट्रक्चर आती है बेटा। ईथेन का एग्जांपल लेना चाहते हो तो ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C12H6। ईथेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो ईथेन की ये स्ट्रक्चर आती है बेटा। अगर मैं इन एल्केन के अंदर ये दोनों कौन बेटा, ये दोनों आपके एल्केन है, ये दोनों कौन बेटा आपके एल्केन है। अगर मैं इस एल्केन के अंदर इसको ऐड करना चाहता हूं, हैलोजन को ऐड करना चाहता हूं, तो ये हैलोजन इस एल्केन में ऐड नहीं होगा। कारण क्योंकि बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। और जो चारों वैलेंसी किसके द्वारा फिल अप कर देगी बेटा? हाइड्रोजन के द्वारा। यहां पर भी कार्बन की टोटल वैलेंसी क्या हो चुकी है बेटा? फिल अप हो चुकी है। तो जब मैं एल्केन के अंदर जब हैलोजन को ऐड करूंगा बेटा, तो मुझे क्या करना होगा? एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। दोबारा हैलोजन को ऐड करूंगा तो दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तीसरे हैलोजन को ऐड करूंगा तो तीसरे हाइड्रोजन को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। फिर और हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं हैलोजन को क्या करूंगा बेटा? ऐड अप करूंगा। तो इसका मतलब क्या बेटा कि जब मैं यहाँ पर हैलोजन को ऐड करूंगा बेटा, हैलोजन को जनरली किसके द्वारा लिखा जाता है बेटा? एक्स के द्वारा। कौन कौन होते हैं बेटा आपके हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके जनरल हैलोजन है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे अपने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मान लो जब मैं इस हैलोजन को इस एल्केन के अंदर डालता हूं बेटा, तो ये हैलोजन क्या करेगा? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद उसके स्थान पर चला जाएगा बेटा। यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहां पर कौन आ गया बेटा आपका? हैलोजन आ गया। मान लो और हैलोजन आता है तो एक और हाइड्रोजन चला गया, एक और हैलोजन आ गया, एक और हाइड्रोजन चला गया, एक और हैलोजन आ गया, एक और हाइड्रोजन चला गया, एक और हैलोजन आ गया। तो ये जब एल्केन के हाइड्रोजन हटकर हैलोजन आ जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है बेटा। उस नए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। क्योंकि एल्केन में क्या आ चुके हैं आपके? हैलोजन आ चुके बेटा। तो हेलो एल्केन कहां से आए बेटा? एल्केन से ही तो आई है। अगर एल्केन नहीं होता तो कहां से आता आपका हेलो एल्केन?
एल्केन से आए हैं तो एलो एल्केन किसके डेरिवेटिव हो गए, एल्केन के डेरिवेटिव हो गए, क्योंकि जो चीज जहां से आती है उसी का ही क्या कहलाती है, डेरिवेटिव कहलाती है। तो आपका हेलो एल्केन कहां से आया बेटा, आपका हेलो एल्केन कहां से आया बेटा, एल्केन से आया। और अगर हम सोचे तो कैसे आया है, जब एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा क्या कर दिए गए, रिप्लेस कर दिए गए, तो आपके क्या बन गए, हेलो एल्केन बन गए बेटा। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन बन जाएगी द डेरिवेटिव ऑफ, द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन को वो डेरिवेटिव इन विच जिसके अंदर वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन, किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए गए बेटा, हैलोजन के द्वारा, क्या कहलाएंगे बेटा वो आपके हेलो एल्केन कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाएंगे बेटा वो आपके हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्लियर बेटा, कि हेलो एल्केन कहां से आया है, एल्केन से आया, कब आया है, जब एल्केन के हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा क्या करवा दिया गया बेटा, रिप्लेस करवा दिया गया बेटा। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्लियर बेटा, व्हाट आर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन की वो डेरिवेटिव इन विच जिसके अंदर वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन, किसके द्वारा रिप्लेस किए गए बेटा, हैलोजन के द्वारा, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एल्केन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा इन्हें हम, हेलो एल्केन। अब आगे सुनना बेटा, बेटा जो आपका हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं बेटा, किसके नाम से जानते हैं इसको हम, अल्काइल हैलाइड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, चाहे आप इसको अल्काइल हैलाइड बोल दो, चाहे आप इसको हेलो एल्केन बोल दो, कोई भी गलती नहीं है बेटा। अब आप बोलते हो सर इसको अल्काइल हैलाइड हमने क्यों बोला, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपका क्या था, मीथेन, आपने फॉर्मूला लिखा CH4, ये आपका मीथेन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा आपका मीथेन, और मीथेन के अंदर से जब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये मीथेन CH4 से क्या बन गया बेटा, आपका CH3 बन गया, और CH3 क्या होता है बेटा, आपका अल्काइल ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, आपका अल्काइल ग्रुप कहलाता है, आपने प्लस वन में पढ़ा था एल्केन और अल्काइल, तो अल्काइल क्या होता है बेटा, एल्केन के ही तो डेरिवेटिव होते हैं, अल्काइल भी कहां से आते हैं, एल्केन से आते हैं, और कब आते हैं, जब एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, मान लो एल्केन में चार हाइड्रोजन थे, अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया कितने हाइड्रोजन बच गए, तीन, और तीन बचते ही जब एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वही तो काम यहां पर हुआ आपका, कि आपके पास एल्केन तक एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बन गया, ये CH3 बनते क्या नाम हो गया, अल्काइल, और जो एक हाइड्रोजन हटाया बेटा उसे एक हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ गया बेटा, आपका हैलोजन, और हैलोजन को क्या बोलते हैं, हैलाइड, जैसे क्लोरीन लगता है किसी के साथ तो क्या बोलते हैं, क्लोराइड, फ्लोरीन लगता है क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, आयोडीन लगता है क्या बोलते हैं, आयोडाइड, तो ये सब है क्या बेटा, ये आपके हैलाइड है, हैलोजन से क्या बना बेटा, आपका हैलाइड, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड, क्या रखते हैं बेटा इसका नाम, अल्काइल हैलाइड। और हम ये भी कंफर्म हो गए बेटा कि अल्काइल को हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था, आर के द्वारा, और हैलोजन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था, एक्स के द्वारा, तो जो आपका RX है ये किसका फार्मूला बन गया बेटा, ये फार्मूला बन गया, या बोलो ये एक रिप्रेजेंटेशन बन गई बेटा, किसकी रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गई बेटा, ये आपकी हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड की। तो आपसे कोई पूछे कि हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, तो एक नाम बेटा डेफिनेशन को पूछे कि व्हाट इज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन होगी बेटा कि एल्केन के वो डेरिवेटिव जिन डेरिवेटिव के अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा क्या कर दिया जाता है बेटा, रिप्लेस कर दिया जाता है, क्या कहलाता है बेटा, वो आपका हैलो एल्केन। रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा बेटा, इसी के पीछे सारी कहानी चलेगी,
एल एल्केन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आर एक्स के द्वारा इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। यहां तक कंफर्म बेटा, अब आगे चलते हैं। अब एक बात सुनिएगा बेटा, समझिएगा, अगर एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन आ गया, एक दो हाइड्रोजन को हटाकर दो हैलोजन आ गए, तीन हाइड्रोजन को हटाकर तीन हैलोजन आ गए, चार हाइड्रोजन को हटाकर चार हैलोजन आ गए, तो हमने क्या किया, इस एल्केन को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया बेटा। तो पहला आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का आता है, किसके आधार पर आता बेटा, पहला क्लासिफिकेशन आता बेटा कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैलोजन एटम के आधार पर, कि किसी कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है। उसके लिए हम पहला बोलते बेटा सिंपल, जिसको हम हेलो एल्केन भी बोलते बेटा, जिसको आप मोनो हेलो एल्केन भी बोल सकते, मोनो हेलो एल्केन, या आप इसको सिंपल हेलो एल्केन भी बोल सकते बेटा। दूसरा आता बेटा डाई हैलोजन, तीसरा आता बेटा ट्राई हैलोजन, पॉली हैलोजन। कैसे, अगर मान लो आपका कोई भी एल्केन है और उस एल्केन के अंदर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, अगर एल्केन में कितना हैलोजन एटम प्रेजेंट है, एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब एक, हेलो एल्केन आपका कंपाउंड हो गया, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, द कंपाउंड विच कैरी ओनली वन हैलोजन एटम इज नोन एज मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन एल्केन, डाई हैलोजन एल्केन। तीन एटम प्रेजेंट है तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राई हैलोजन एल्केन। बहुत ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा, पॉली हैलोजन एल्केन। क्लियर है बेटा। तो ये क्लासिफिकेशन हमने किसके आधार पर किया है बेटा, ये क्लासिफिकेशन हमने किसके आधार पर किया है, हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो इंपोर्टेंट भी रहेगी बेटा, या उसको डाइप बोलना चाहे तो आप बोल सकते बेटा टाइप ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की टाइप आ रही बेटा, टाइप ऑफ हेलो एल्केन, टाइप ऑफ हेलो एल्केन बेटा। हेलो एल्केन जनरली तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बेटा आपका प्राइमरी, प्राइमरी हेलो एल्केन, दूसरा होता है बेटा आपका सेकेंडरी हेलो एल्केन, एक होता है बेटा आपका टर्शियरी हेलो एल्केन। आपके जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। बेटा इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये आपका प्राइमरी का रिप्रेजेंटेशन है, ये सेकेंडरी का रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपके टर्शियरी का रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां से पॉइंट ऑफ स्टार्ट होंगे और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आपको रूल केमिस्ट्री बिल्ड अप होगी बेटा। हर चैप्टर के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का डिस्कस होता रहेगा, चाहे वो आपके एल्कोहल की बात हो, चाहे वो आपके फिनोल की बात हो, चाहे वो आपके हेलो एल्केन हैलोजन्स की बात, किसी की भी बात हो, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंपॉर्टेंट रहने वाले बेटा। बात करते हैं कि प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है बेटा। बेटा आप उस कार्बन को देखो जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो ये आपका कार्बन और इस कार्बन के साथ ही आपका क्या जुड़ा हुआ बेटा, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक और कार्बन से घिरा हुआ हो, या फिर आप बोल सकते हो बेटा कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से घिरा हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा,
प्राइमरी हेलोएल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसे हम? प्राइमरी हेलोएल्केन बोलेंगे। तो प्राइमरी हेलोएल्केन क्या होगा बेटा? द हेलोएल्केन इन विच द हैलोजनेटेड कार्बन। बेटा हैलोजनेटेड कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा? जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन आपका कौन सा कार्बन कहलाएगा बेटा? हैलोजनेटेड कार्बन कहलाएगा। अगर आपके हैलोजनेटेड कार्बन किसी एक कार्बन से या एक भी कार्बन से घिरा हुआ ना हो, जैसे ये आपका कौन सा कार्बन कहलाएगा बेटा? हैलोजनेटेड कार्बन कहलाएगा। और ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? एक कार्बन से घिरा हुआ है। तो ये कौन सा हैलोजन कहलाएगा बेटा? प्राइमरी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका हैलोजनेटेड कार्बन है ये एक भी कार्बन से घिरा हुआ ना हो तो भी ये कौन सा कहलाएगा आपका? प्राइमरी कहलाएगा बेटा। कौन सा कहलाएगा? फिर भी ये आपका प्राइमरी कहलाएगा। तो प्राइमरी हैलोएल्केन क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी हैलोएल्केन आपके वो हैलोएल्केन होते हैं बेटा जिन हैलोएल्केन के अंदर आपका हैलोजनेटेड कार्बन एक कार्बन या एक भी कार्बन से घिरा हुआ ना हो तो वो कौन सा कहलाता है बेटा आपका? प्राइमरी हैलोएल्केन। द हैलोएल्केन इन विच द हैलोजनेटेड कार्बन इज सराउंडेड बाय वन और नन कार्बन एटम। एक ऐसा हैलोएल्केन जिस हैलोएल्केन के अंदर आपका हैलोजनेटेड कार्बन एक कार्बन या एक भी कार्बन से घिरा हुआ ना हो वो कौन सा कहलाएगा बेटा आपका? प्राइमरी हैलोएल्केन कहलाएगा। अगर आपका हैलोजनेटेड कार्बन दो कार्बन से घिरा हुआ हो, मान लो आपका हैलोजनेटेड कार्बन कितने कार्बन से घिर गया बेटा? दो कार्बन से घिर गया तो वो कौन सा कहलाएगा बेटा आपका? सेकेंडरी हैलोएल्केन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा बेटा? वो आपका सेकेंडरी हैलोएल्केन कहलाएगा। और अगर आपका हैलोजनेटेड कार्बन कितने कार्बन से घिर जाए बेटा? तीन कार्बन से घिर जाए तो वो कौन सा कहलाएगा बेटा? वो आपका टर्शियरी हैलोएल्केन कहलाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी का मतलब एक, यानी कि एक से घिरा हुआ है, एक से भी घिरा हुआ ना हो वो तो कहलाएगा बेटा आपका प्राइमरी हैलोएल्केन। अगर दो से घिरा हुआ है तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी हैलोएल्केन। और तीन से घिरा हुआ है तो क्या कहलाएगा? टर्शियरी हैलोएल्केन। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा CH3CH2CH2CH2C, इधर मैंने Cl लिखा, इधर मैंने लिख दिया बेटा CH2। अब चेक कीजिएगा बेटा ये आपका कौन सा कार्बन है जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन कौन कौन होते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे कौन बेटा आपके हैलोजन है। तो इस कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? हैलोजनेटेड कार्बन कहलाएगा। और अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से घिरा हुआ है? डायरेक्टली तो एक कार्बन से घिरा हुआ है बेटा, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका? प्राइमरी हैलोएल्केन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा बेटा? ये आपका प्राइमरी हैलोएल्केन कहलाएगा। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि CH3C CH3CH2C Cl CH, अब ये कौन सा कहलाएगा बेटा? देखिएगा ये आपका हैलोजनेटेड कार्बन हो गया, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, हैलोजनेटेड कार्बन हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? एक से ही तो घिरा हुआ है तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा आपका? प्राइमरी। ये मत देखो कि इसके आगे कितने की चेन, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि जो आपका हैलोजनेटेड कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से घिरा हुआ है। तो ये भी एक से घिरा, ये भी एक से घिरा, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की तो देखिएगा, मान लो मैंने यहां पे लिखा कि CH3CCl H CH2CH3, अब ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये आपका हैलोजनेटेड कार्बन है। कितने कार्बन से घिरा हुआ है? एक हिस्से से, एक हिस्से से, एक और एक, दो दो कार्बन से घिरा, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? स्कैंडी। और अगर तीन से घिर जाए तो कौन सा बन जाएगा बेटा आपका? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3CH3Cl, तो ये आपका हैलोजनेटेड कार्बन कितने से घिर गया बेटा? एक, दो, तीन, तो ये कौन सा बन जाएगा बेटा आपका? टर्शियरी। बेटा ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे हैलोएल्केन को लेकर। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आइसोटोप नेम और इसके आइसोमर के ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से बिल्डअप करते हुए चलोगे ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी खड़ी ना। इसलिए डे टू डे अपना काम करते रहे। थैंक यू।